तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक पार्सल को जो कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ई प्रो की वेबसाइट से। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और ये हमें पड़ा है 14,060 रुपये में। और ये आया है हमें लाहौर से, आया है माल रोड से। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जिनको जिनकी मुझे ज़रूरत थी और मैंने ऑर्डर कर दिया। और एक प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था तो 5-6 साल से मैंने इन्हीं की वेबसाइट से ऑर्डर किया है। और अभी भी दोबारा से फिर हमने एक और पार्सल मंगवा लिया है। तो ये कुछ इस तरह से पैकिंग आई है इसकी, आप लोग देख सकते हो। और इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाता हूँ मैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है। तो यहाँ पे बॉक्स ओपन हो चुका है, बॉक्स के अंदर और भी चीज़ें इन्होंने कुछ इस तरह से रखी हुई हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए शॉपर लगाया हुआ था। और ये चीज़ें हम निकाल लेते हैं और बाकी साइड चीज़ें साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पर इस बार इसके अंदर बिल वगैरह नहीं निकला ना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की गई हैं वो यहाँ पे ये हैं। यहाँ पे कुछ सामान है जिनको हम टैली करेंगे कि क्या ये सामान कंप्लीट है। वैसे तो हर बार कंप्लीट निकलता है। तो ये कुछ सामान था मेरे पास जिसकी लिस्ट अब मेरे पास ये पड़ी है। और ये है हमारे पास सामान, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर है मेरे पास एक बॉक्स मंगवाया है जिसके अंदर हम छोटे छोटे कंपोनेंट यहाँ पे रख सकते हैं। और इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना बड़ा है और किस तरह से नज़र आता है। और यहाँ पे इसका टैग भी लगा हुआ है। इसके अंदर 25 ड्रॉज हैं और मल्टी यूज़र जो बॉक्स है। यहाँ पे इसका मॉडल वगैरह आप देख सकते हो, मॉडल है V25D2। तो इसको हम इस हटा देते हैं। और ये है हमारा बॉक्स और बॉक्स के अंदर है ये हमारे कैबिनेट। तो ये कैबिनेट बहुत छोटे छोटे हैं, मैंने ये नहीं सपोज किया था। मुझे जो तस्वीरों में नज़र आ रहे थे वो बड़े बड़े आ रहे थे, तो इसके तो कैबिनेट छोटे छोटे हैं। हम बहुत ही लिमिटेड चीज़ें इसके अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं। मुझे लगा था कि कम से कम इसके अंदर आर्डिनो तो एक रखा जाएगा, लेकिन ये तो उससे छोटे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जो मॉडल वही था वही मॉडल वैसे तो आया है। तो ये है हमारा बॉक्स, इसको हम कर देते हैं साइड पे। उसके बाद एक ये पार्सल है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा जो है सोल्डिंग आयरन का सामान है। इसके अंदर यहाँ पे हुक्स भी दिए गए हैं जिसकी मदद से आप जो है सर्किट को इसी के अंदर जो है फिक्स कर सकते हैं। वरना मुझे क्या करता था, जब मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगानी होती थी तो मुझे किसी एक बंदे को साथ बुलाना पड़ता था ताकि वो पकड़ सके और मैं इसको सोल्ड कर सकूँ। लेकिन इस बार मैंने ये ऑर्डर कर लिया, तो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसका मॉडल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा इसका मॉडल है TE800 और ये इसका कंप्लीट नाम है। तो ये है कुछ इसके अंदर हमें सामान मिल रहा है, ये वाला जिसके अंदर लाइट भी है। और इसके साथ एक हमें लेंस मिल रहा है, बड़े वाला लेंस। और इसी के साथ कुछ हमें छोटी छोटी चीज़ें और भी मिल रही हैं। और एक यहाँ पे हमें एक और लेंस दिया गया है, ये वाला। और ये इसकी कुछ चीज़ें जो कि हम बाद में सेटअप करेंगे, अभी के लिए सिर्फ हम अनबॉक्स कर रहे हैं चीज़ों को। ये रहा हमारा मैनुअल, अगर किसी को कोई समझ ना आए तो वो यहाँ से देख के इसको जो है बिल्ड कर सकता है। इसके बाद हमारे पास एक ये शॉपर के अंदर कुछ चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास, मैंने इस बार ऑर्डर किया था, मेरा जो मल्टीमीटर था मल्टीमीटर की तारें जो हैं वो टूट गई थी। तो मैंने कुछ अच्छे वाली तारें यहाँ पे ऑर्डर की हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी हैं तारें वैसे तो, ये आप लोग देख सकते हो। इनके आगे भी यहाँ पे ये लगाए हुए हैं और इनके इस साइड पे भी कैप लगे हुए हैं। उसके साथ हमारे पास एक टीज़र है जिसके साथ हम चीज़ों को जो है पकड़ सकते हैं। मेरे पास पहले टीज़र पड़े हैं 3-4, लेकिन वो जो उनकी चूँच नहीं है। तो ये इस बार मैंने चूँच वाला ऑर्डर किया था, ये देखें। तो इसको साइड पे कर देते हैं। उसके साथ RFID जो कि एक डोर लॉक, मैंने दोबारा से एक और बनाना है। और उसके साथ आर्डिनो UNO है एक,
12 वोल्ट का यहाँ पे अडोप्टर है, RFID एक और है, आर्डिनो यूएनओ R3 एक और आ गया, उसके बाद एक ये बॉक्स है, आइस वाला बॉक्स था इस पे, तो ये तो दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर ये वाली चीज़ें लगी हुई हैं। उसके ऊपर जो वेबसाइट पे आइस बॉक्स लिखा था तो मुझे लगा था ये फिक्स होंगे और इसके अंदर हम पानी डाल के जो है इनको अच्छे से जो है एक रेक्टेंगल शेप में, लेकिन ये वाला वो नहीं है, तो ये मेरे पास पड़ा था फिर भी चलो अब आ गया है तो देख लेते हैं इसको। और यहाँ पे एक ये सर्किट है जो कि लिथियम सेल को जो है चार्ज वगैरह करने में काम आता है, जो मैंने यहाँ पे पावर बैंक यहाँ पे बनाने वाला हूँ। जो आपका राउटर होता है इंटरनेट का राउटर, उसको जो है ये 24 घंटे चलाएगा, लाइट होगी नहीं होगी वो चलता रहेगा, तो वो इनकी मदद से मैं बनाने वाला हूँ। इसके अंदर से तीन निकले हैं और उसके बाद यहाँ पे एक और ये यहाँ पे मीटर के लिए मैंने मंगवाया, जो आपने वो पहले वाली देखी है, और ये इसके साथ जो है चूंटियाँ हैं, तो इनकी मदद से ये भी हम मीटर पे लगा के, डिजिटल मीटर पे लगा के चेक कर सकते हैं इसको। और बड़े वाले डोर लॉक हैं, अच्छे हैं ये, काफ़ी हैवी वाले हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। उसके बाद यहाँ पे RFID के कार्ड हैं, यहाँ पे दो कार्ड ये हैं, और कार्ड यहाँ पे मेरे ख्याल में कार्ड दो हैं, कार्ड और यहाँ पे पावर बैंक वाले सर्किट आ गए। यहाँ पे पावर बैंक के सर्किट हैं यहाँ पे तीन, जो के चार्ज करने के लिए है। उसके साथ यहाँ पे एक DC-to-DC बूस्टर है जो के वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। उसके साथ यहाँ पे एक 5 वोल्ट की पानी वाली मोटर है जो के गैजेट वगैरह बनाने में काम आने वाली है। उसके साथ यहाँ पे एक और यहाँ पे DC-to-DC बूस्टर कन्वर्टर है जो के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे ये LEDs मुझे बहुत अच्छी लगी थी, अब इनका रिज़ल्ट कैसा है ये तो चला के पता चलेगा। ये RGB में मंगवा ली है मैंने, रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे एक वाइट भी है मेरे पास। उसके साथ यहाँ पे ब्लूटूथ मंगवाया है यहाँ पे, जो कि मैंने स्पीकर्स को लगाना है, ताकि स्पीकर पे हम जो है मोबाइल को भी ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे जो लिथियम सेल होते हैं हमारे पास, उनको जो है इनके अंदर रख के हम सोल्ड कर सकते हैं, तो ये तीन तीन का पेयर मैंने यहाँ पे मंगवाया है। उसके साथ यहाँ पे छोटे छोटे दो बटन हैं, पुश बटन है यहाँ पे, उसके साथ यहाँ पे एक USB के लिए मंगवाया था मैंने, USB के अगर कोई आप कनेक्शन ऐसा करना चाहें जहाँ पे USB इस्तेमाल करनी हो, तो ये उसके लिए है, ये USB की इन है और ये आउट के लिए है, ये इस तरह से कुछ फिक्स होगा और ये आप कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मेरे पास एक और पैकेट है, इसके अंदर यहाँ पे ये तारें यहाँ पे इसके अंदर लग जाती हैं, इसको आप कहीं पर भी फिक्स कर सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जर के लिए चार्जर पिन है, इनको बहुत सारी जगह पे यूज़ करना पड़ जाता है जब आपने किसी चीज़ को पावर देनी हो 12 वोल्ट के लिए, जो ये 12 वोल्ट वाला चार्जर जो है आसानी से इनके साथ लग जाता है। उसके साथ यहाँ पे एक स्विच है मेरे पास जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, और ये आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो अगर किसी चीज़ को ऑन ऑफ करवाना है, तो देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर 8 बटन है, तो आप 8 चीज़ों को ऑन ऑफ करवा सकते हो। यहाँ पे एक और 8 वाला यहाँ पे आ गया है। उसके बाद 2 बजर हैं यहाँ पे मेरे पास, उसके बाद यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे माइक ऑर्डर किए हैं। माइक बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे ये बड़े वाले जो है माइक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके साथ यहाँ पे मेरे पास छोटे पुश बटन हैं, बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल करने होते हैं और वक्ती तौर पे जो है किसी ना किसी चीज़ में से निकाल के लगाने पड़ जाते, तो ये मैंने अब इसी तरह से ऑर्डर कर लिया न्यू में। और ये है हमारा बॉक्स। इस बॉक्स में क्या है कि आप पोशन वगैरह बना के चीज़ें जो है इसके अंदर रख सकते हो। इसके साथ है एक बॉक्स ये वाला, एक शॉपर ये वाला है, इसको देख लेते हैं ओपन करके। तो इसके अंदर है हमारे पास RJ45 जो कनेक्टर होते हैं इंटरनेट की केबल्स को लगाने के लिए, वो हैं यहाँ पे चार। और उसके साथ यहाँ पे एक और पुश बटन है मेरे पास, ये थोड़े से साइज में बड़े हैं उससे। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास चुनटीज़ हैं, यहाँ पे आप इनको काफ़ी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर भी आप चीज़ों को लगा के टेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ इतनी सारी ऑर्डर कर दी। तो ये है हमारा टोटल सामान जिसको मैंने सिर्फ अभी के लिए अनबॉक्स किया है और आपको दिखाया है कि अगर आप लोग भी ऑनलाइन कंपोनेंट्स मंगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऑनलाइन मंगवा सकते हो। मैं काफ़ी अरसे से ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई। तो आप लोग भी अगर यूज़ करना चाहें तो मैं आपको भी यही वाली रेफ़र करूँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।